सरकारी छात्रावास में ना अच्छा खाना मिल रहा है, ना नहाने और पीने के लिए पानी। 250 ग्राम दूध में बनाई जा रही है 40 बच्चों की चाय। बच्चों ने कलेक्टर की जनसुनवाई में की छात्रावास अधीक्षक की मनमानी की शिकायत। शिवपुरी सीनियर बालक उत्कृष्ट छात्रावास अनुसूचित जाति जनजाति में रहने वाले बच्चे इन दिनों छात्रावास अधीक्षक की मनमानी के कारण परेशान हैं। छात्रावास अधीक्षक की शिकायत लेकर मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे बच्चों ने बताया कि उन्हें छात्रावास में ना पीने के लिए और ना ही नहाने के लिए पानी मिल पा रहा है, वहीं ना ही अच्छा खाना मिल पा रहा है। छात्रावास अधीक्षक द्वारा 250 ग्राम दूध में 40 बच्चों को चाय पिलाई जा रही है। वहीं बच्चों ने बताया कि उन्हें तेल, साबुन और स्टेशनरी के पैसे भी नहीं मिल पा रहे हैं। अधीक्षक से शिकायत करने पर वे कहते हैं कि बजट नहीं है, अपने पैसों से टैंकर डलवा कर पानी पी लो। सुनिए क्या कहा बच्चों ने। ये आपका राजेश, कहाँ से आए हो आप? क्यों आए? क्या चर्चा कर रही है? क्या समस्या आ रही है? खाने की और अभी स्टेशनरी भी नहीं आई हमारी। किस तरह की खाने की समस्या? पानी समस्या आ रही है। पानी तो बिल्कुल नहीं है, पानी तो पीने गाने पार्क में जाता है टंकी पर पड़ी। और आपने मंगवाया है कुछ के पैसे? टंकियों में गंदगी इतनी, कुछ में लारवा पता जो नहाते हैं ना उस टंकी में अच्छा नहीं मिलता। 250 ग्राम दूध में पूरे 40 बच्चों की चाय में 1 किलो दूध भी नहीं होता है। चीनी तो दिक्कत भी डलती है यहाँ में। छात्रावास में क्या से आकाश आदि से छात्रावास में।